लग रही ना ढाबा स्टाइल अंडा करी। इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज रफली काट ली है। 10 से 12 हमने लहसुन की कलियाँ और अदरक लेकर मिक्सी में पीस लें। 4 अंडों को हमने बॉईल कर लिया है। अब इसमें लाल मिर्च और हल्दी लेकर अंडों पर अच्छे से मिक्स कर लें, इससे अंडों का कलर बहुत अच्छा आता है। अब पतीली में सरसों का ऑयल गरम करें। ऑयल हमारा अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए, फिर उसमें अंडे फ्राई करें। ये देखिए अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब अंडों को हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम खड़ा गरम मसाले में हमने हरी इलायची, दालचीनी, लौंग वो ली है। ऑयल में डालकर हल्का सा डार्क करें इसे। अदरक लहसुन और प्याज हमने जो पीस कर रखी है वो डाल दें। अब मसाला पाउडर में हमने यहाँ पिसा धनिया के 2 चम्मच लिए हैं। आधा चम्मच से कम हल्दी ली है हमने। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा पानी डालें। 1 बड़े साइज़ का टमाटर की हमने प्योरी बनाई है वो डाल दें। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भून लें। देखिए मसाला भून चुका है। अब इसमें पिसा गरम मसाला डाल लें। नमक जाएगा अब इसमें। देखिए मसाला कितने अच्छे से भून गया है, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। बस हमें ऐसे ही मसाला चाहिए। अब इसमें अंडे फ्राई हुए डाल दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकाने में, बहुत जल्दी रेसिपी ये तैयार होती है। अब पानी डाल के 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दें। ये देखिए अंडा करी हमारी रेडी है। नहीं नहीं अभी रुकिए, अभी इसमें हरा धनिया तो मिक्स करिए। हरा धनिया हमने मिक्स कर दिया है, अभी ये रेडी है सर्विंग बाउल में निकालने के लिए। हमने प्लेटिंग कर ली है। अब इसे गर्मा गर्म रोटी या राइस से सर्व करें।